अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट अबू जमीठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं आपके पूछे गए सवालात के लिए अजीज भट्टी वागा टाउन डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू नईम बख्श साहब के पास। नईम साहब, क्या हाल है? सर, हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं कि रकबा तुर्की के हवाले से बासा लाहौर के बीज हैं, उसके अंदर क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अबूज़र मिन्होटा साहब ऐसे है, कंज्यूमर हमें विजिट करेगा, वो अपनी रिटर्न एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के साथ वो अपना रिसेंट पेड बिल जमाशुदा बिल देगा, और अगर प्रॉपर्टी डिफाल्टर है, बिल उसका डिफाल्टर है, जमाशुदा नहीं है, उसके लिए जरूरी है एट लीस्ट वो 1/3 जो है पहले पे करवाएगा, उसकी पेड कॉपी साथ हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन में, अपने CNICTO अटैच्ड कॉपी साथ हो जाएगा, और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी अटेस्टेड कॉपी। अगर रजिस्ट्री नहीं है, LDA की कोई स्कीम है तो LDA का ट्रांसफर लेटर अटेस्टेड होना चाहिए। ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी एक फाइल बना के वो हमारे पास यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को विजिट करेगा, वहाँ पर उसकी मार्किंग होगी। और सर, ये कितने दिन का प्रोसेस है, कितने दिन के अंदर अगर कंज्यूमर आपको एप्लीकेशन देता है, और कितने दिन के अंदर जो है इसके ऊपर प्रोसेस होके उसका रकबा दुरुस्त हो जाता है? इसमें ऐसे है कि ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। वैसे जो हमारा एवरेज पीरियड है वो 15 डेज है, और 15 डेज में जो है वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, रिफ्लेक्शन होकर। समटाइम कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, यानी कि 25 डेज, 1 मंथ तक भी चला जाता है। अदरवाइज बीच में जो है वो 15 डेज में जो है कंज्यूमर की एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाती है, रिफ्लेक्शन। और सर जी, नहीं साहब, जो सारफीन आपके पास आते हैं एप्लीकेशन देने के बाद का क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को प्रोसेस भी बता दें। उसमें ऐसे है, कंज्यूमर की एप्लीकेशन जो हमारे कंसर्न फील्ड स्टाफ है उसको मार्किंग हो जाती है। अभी आज लाइक 14 दिसंबर को कंज्यूमर ने एप्लीकेशन अपने यहाँ से मार्क करवाई है, जमा करवाई है, तो वो सुबह 15 को जो कंसर्न इंस्पेक्टर है उसको हैंड ओवर हो जाएगी, वो जाएगा वहाँ पे साइट वेरीफिकेशन करेगा कंज्यूमर का जो क्लेम है, वाकई एरिया उसका उतना है, रजिस्ट्री तो ऑलरेडी वैसे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, साइट वेरिफिकेशन की वो अपनी रिपोर्ट कर देगा, उसके बाद वो फिर आगे हमारा एक अकाउंट स्टाफ के पास चले जाएंगे। अकाउंट स्टाफ की जो ऑफिस है वो उस पर नोटिंग करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इन आर रिस्पेक्ट होती है, साइट वेरीफिकेशन हो गई है, साइट वेरीफिकेशन में भी वेरीफाई हो गया एरिया, उस नोटिंग की वो अप्रूवल दे देता है असिस्टेंट डायरेक्टर और दैन डिप्टी डायरेक्टर से, उसकी अप्रूवल हो जाती है, सिस्टम में उसकी हम रीडिंग कर देते हैं और उसकी एरिया कलेक्शन। और सर, अगर है 10 मरले का और उसका कंज्यूमर ने जो रजिस्ट्री दिखाई है 5 मरले हैं, तो उसका फिर आगे क्या प्रोसीजर होता है, जो अगले 5 मरले बचते हैं वो फिर क्या, जो मीन्स अगर उनकी शेयरिंग हो गई है तो वो फिर दूसरे के हिस्से में चले जाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर? इसमें ऐसे जो साहब के लाहौर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है और जो सेल परचेज है वो बड़ी फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रही है, अगर हम छोटे सिटीज के साथ कंपेयर करें नॉर्मली जो है वो ऐसे ही होता है, अगर 10 मरला प्रॉपर्टी है बिल पे पहले से बना बिल अग्रेंट हो गया 10 मरला और तो जो मैंने एप्लीकेशन दी है तो उसके पास तो 5 मरला, तो ये तीन वो डिवाइड हुई होती है, उसमें जो हमारा फील्ड स्टाफ पर्सन जाता है साइड बाई वो देखता है कि पहले तो 10 हो तो बाकी वाली 5 मरला है उस पर कोई बिल इशू हो चुका होता है या होने वाला होता है, अगर तो ऑलरेडी हो चुका है तो वो रिपोर्ट कर देता है कि 5 मरले पर ऑलरेडी ये बिल जा रहा है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी है, ये वाली जो 5 मरले है इसको 10 मरले का बिल डिलीवर हो रहा है, इसको भी 5 मरले कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट जो है वो इसके कम्प्लीट है, एक तो ये सिचुएशन। सारे जो है वो एप्लीकेशन किसके नाम पर लिखेगा, डायरेक्टर रेवेन्यू के या डिप्टी डायरेक्टर? डिप्टी डायरेक्टर है। लाहौर में आपको पता होगा हमारे 6 डॉक्टर हैं, जो कंज्यूमर का रेलेवेंट डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है वो अपने, उनको कैसे पता चलेगा कि डिप्टी डायरेक्टर का उनका रेलेवेंट कौन सा है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा जो वासा का बिल है उसके पीछे जो है ना बैक साइड पे हमारे जितने भी टाउन हैं उनके नाम लिखे हुए, तो जो बंदा जिस एरिया में रहता है वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा 6 टाउन के नाम है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा वो वागा टाउन के दूर में रहता है तो जब वो बिल के पीछे देखेगा अजीज भट्टी। इसमें ऐसे है मिठा साहब कि हमारा जो बिल है उसके ऊपर टाउन का जो नेम है वो प्रिंटेड होता है, जैसे ये अभी मेरे पास एक बिल है ये शालीमार लिखा हुआ है, शालीमार टाउन का जी। इसी तरह जो बंदा जिस एरिया में रहता है
वो अपने बिल से देखेगा अपने घर से डिप्टी डायरेक्टर, उसको वो एड्रेस करेगा डिप्टी डायरेक्टर शालीमार, डिप्टी डायरेक्टर जिस पर टीका कर रहा हूँ बाई डिप्टी डायरेक्टर की बात हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे जो पिटीशन नंबर है उन पर भी वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आपने डिप्टी डायरेक्टर नईम बख्श साहब से जो तफसीलात मिली हैं हमें रकबा दुरुस्ती के हवाले से, वो आपको अब इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया होगा। आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्टी डायरेक्टर जो आपका कंसर्न होगा उसको देनी है, उसके नाम से लिखना है जी डिप्टी डायरेक्टर फलान, जो भी आपका टाउन होगा उसके हवाले से लिखेंगे, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर लेकर आएंगे तो उम्मीद है कि 15 दिनों के अंदर आपके बिल के ऊपर रकबा दुरुस्ती का या एरिया जो चेंज है वो हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।